योजना बहाली संयुक्त मंच की ओर से जिला मुख्यालय के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें 16 जुलाई दिन रविवार की तस्वीरें हैं। छुट्टी वाले दिन भी जिला मुख्यालय के सभागार में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली योजना संयुक्त मंच के बैनर तले यहां राज्य कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और शिक्षकों का समेकित बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विस्तृत रूप से वार्ता की गई। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिस बैठक का आयोजन किया गया है, उसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी मौजूद थे। उनके साथ जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष विकास चौहान, मंडल मंत्री पंकज जायसवाल की मौजूदगी थी। सबसे पहले इन सभी लोगों की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद यहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपस में चर्चा शुरू हुई। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले तमाम तरीके की बैठक, धरना और प्रदर्शन किए जाते रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर रही है। जबकि अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली न होने के चलते सभी लोग यहां एक बार फिर से बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन की नई रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रांतीय अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। बहुत पुराना मुद्दा है और 2015 से बात चल रही है, 12-13 से हम लोगों ने इसको उठाना शुरू किया। सरकार हमेशा ये कहती रही कि इसमें आपको फायदा होगा, पुराने से ज़्यादा लाभ। हम लोगों ने देखा कि 18 वर्ष हो गए इस योजना को चलते हुए, हमारे लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको हमारे पास हज़ारों आंकड़े ऐसे हैं जिसमें कि ये दिखाई पड़ रहा है कि उनको 0% पैसा मिल रहा है या 500 रुपये मिल रहा है। तो ये एक दुखदायी व्यवस्था लागू हो रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने सारे मंचों से भी कहा है। तमाम आंदोलन लखनऊ स्तर पर हम लोगों ने किए हैं, पूरे प्रदेश में किए, 18 में हम लोगों ने किए। कमेटी योगी जी ने बनाई थी और उसमें हमको भी रखा गया था, 5 IAS भी थे उसमें। उसमें हम लोगों ने समझाने का पूरा प्रयास किया और समझाया भी कि नहीं, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी इसको नहीं सुना। कारण यही है कि ये सरकारें अब IAS चला और IAS चलाने में ही दिक्कतें हो रही हैं कि वो समझाना नहीं चाहते। सरकारों को इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कमी है पॉलिटिकल हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में, और इसलिए बात सुनी नहीं जाती। अभी मुद्दा हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। हम लोग हमने पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया था 2021 में, इसको 6 राज्यों में हमारा लागू भी हुआ है और अब हम केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय चुनाव है और उसमें रेलवे से लेकर इनकम टैक्स से लेकर सभी हमारे जितने केंद्रीय संगठन हैं सभी शामिल हैं, शिक्षक भी शामिल हैं। हम लोग इसको दिल्ली में हमारी रैली भी है, अभी 10 अगस्त की है, उससे पहले पेंशन रथ यात्रा हम लोग पश्चिमांचल में निकाल रहे हैं। अभी दिल्ली लखनऊ में हम लोगों ने लाखों की संख्या में रैली निकाली थी कर्मचारी शिक्षकों की। हम चाहेंगे कि सरकार पर दबाव बने, हमारी की बात हमारी सही बात मानी जाए, सही बात समझी जाए और उसका निदान किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से रेलवे सहित पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति बनेगी और उसके बाद भी अगर नहीं हमारी बात सुनी जाएगी तो 2024 के चुनाव में हम लोग पॉलिटिकल निर्णय भी सभी लोग मतलब। आप लोग लगातार, चाहे मैनपुरी हो, एटा हो, इटावा हो, कुछ जिले ऐसे हैं जो हर बार नकलों कुछ भी धरना हो या कुछ भी ऐसा हो, प्रशासन से जिद्दोजहद करके भी कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं आपके इसके डिसीजन पे अप्रूवल दे रही है, अन्य राज्यों में क्यों लागू कर दिया गया सर? मैं वही कह रहा हूँ कि IAS ही नीतियाँ बनाते हैं, आखिर वहाँ भी IAS बैठे हुए 6 राज्य, आखिर उनकी समझ में कैसे आ गए? वो कहते हैं श्रीलंका हो जाएगा, सरकार बैठ जाएगी, वहाँ भी IAS है, हमारे यहाँ भी IAS। मैंने पहले भी कहा कि IAS ही इनको गुमराह कर रहे हैं। और बात है उत्पीड़न की, तो हमारा होता है हमेशा। अभी मैंने दिल्ली में, लखनऊ में जब रैली की तो उसको रोकने का तमाम प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेडियम में रैली की लाखों की संख्या में। तो हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो सरकार का जो विरोध में होता है हमारा कार्यक्रम, इसलिए उनका विरोध करना जायज़ है, लेकिन हम लोग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करते हैं और सब कुछ एक होकर हम लोग उसका प्रदर्शन करते हैं। क्या लगता है 2024 में किस तरीके का मूवमेंट रहेगा कि कर्मचारियों के हित की बात पूरी हो सकेगी? मुझे लगता है कि जो हम लोग लोकतांत्रिक सरकारों में जो ये दिए गए हैं, हमें अधिकार दिए गए हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। काला फीता बांधना, अंग्रेजों के ज़माने में भी अगर काला फीता कोई बांधता था उसकी बात सुनी जाती थी, डंडी यात्रा लोग निकाल देते थे उनकी बात भी सुनी जाती। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बात अगर जायज़ है, हम चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, हम अपने पैसे से हम गारंटी ले रहे हैं इस बात की कि हमारा जो पैसा काट कर बेहतर से आप निकाल रहे हैं वो शेयर मार्केट में न लगाएं, तो हम अपनी पुरानी पेंशन ले लें। शेयर मार्केट में लगाकर आप जो बंदरमार कर रहे हैं, जो अधिकारी उसको अपने अपने रिश्तेदारों की कंपनियों में लगा रहे हैं, उससे हमारा नुकसान बहुत हो रहा है, तो वो हम लोग नहीं होने देंगे। हमारा शेयर मार्केट में पैसा न लगाकर सिक्योर लगाया जाए, जिससे हमको पुरानी पेंशन के बरूबर लगभग पैसा मिल जाएगा।